हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न सिक्स स्टैंडर्ड साइंस लेसन नंबर 13, दैट इज साउंड. साउंड, व्हाट इज साउंड? सो साउंड इज अ एनर्जी. आपको पता होगा साउंड, अलग अलग साउंड होते हैं. आप सुबह उठेंगे तो आप, या तो अगर आप जैसे कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे हैं तो आपको ज़रूर बर्ड्स की आवाज़ सुनने को मिलेगी, या फिर आप अपने घड़ी के अलार्म से उठेंगे, या फिर अपनी मम्मी की आवाज़ से उठेंगे, ओके. या फिर अगर आप, आपका घर किसी रोड के पास में है या फिर स्टेशन के पास में है तो क्या होगा, आपको बहुत सारे व्हीकल्स की आवाज़ें आएंगी, ठीक है, गाड़ी मोटर की जो होती हैं आवाज़ आएंगी. तो मतलब ये सब क्या है, साउंड. सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी चैप्टर, ओके. तो ये आपका जो चैप्टर है बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल, और आप इसे अच्छी तरीके से जानते हैं. सो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके. तो देखते हैं क्या है. सम साउंड्स आर डिपिक्टेड इन द पिक्चर्स बिलो. तो यहाँ पे कुछ साउंड्स दिए गए हैं, अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू ये साउंड्स आती हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप. तो इसमें डिपिक्टेड मीन्स की दिखाई गई हैं. हैव यू हर्ड दिस साउंड? तो क्या आपने ये सारी आवाज़ें सुनी हुई हैं? तो बिल्कुल, इसमें से ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं है जो आपने ना सुनी हो. पुट अ टिक मार्क इन द बॉक्स इफ़ यू हैव. अगर आपने सुनी है तो आपको टिक मार्क करना है, और अगर आपने नहीं सुना है तो आपको क्रॉस करना है, ठीक है. दैट वर्ड्स आर यूज इन योर लोकेलिटी टू डिनोट दीज वर्ड्स. मतलब वॉट वर्ड्स, तो इन वर्ड्स को आप किस, आपकी जो लोकेशन है जहाँ पे आप रहते हैं, तो किस तरीके से ये जो आवाज़ है किस तरीके से डिनोट की जाती है. राइट देम बिलो द पिक्चर. तो यहाँ पे आपको पिक्चर के नीचे लिखना है. तो देखिए यहाँ पे ये जो गर्ल है वो सिंगिंग कर रही है, वो गा रही है कुछ. इस सिम्बॉल्स के थ्रू पता चल रहा है हमें कि वो गाना गा रही है. ये चर्प कर रही है, देखिए किस तरीके से वो चहचहाती है ना, जैसे बर्ड्स आवाज़ निकाल रही है. ये क्रैकर्स हैं जो पटाखे होते हैं एक साथ में जो फूटते हैं, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से लाउड नॉइज़ होता है, ओके. सो ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ इससे होती है. यहाँ पे ये दोनों कुछ विस्पर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मतलब कि आपस में कुछ फुसफुसा रहे हैं. तो ये आप भी करते होंगे, ये हम अक्सर देखते हैं, ये हम सब करते ही हैं, ठीक है. अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ यही बात सुने तो हम धीरे से बात करते हैं, ठीक है. और यहाँ पे आप देखते होंगे रोड पे किस तरीके से रहते हैं ट्रैफिक पुलिस जो रहती है. और ये आपने यहाँ पे देखिए एक बॉय है जो फ्लूट बजा रहा है. ये हॉर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं. यहाँ पे ये किस तरीके से डॉगी इस कैट को देख के बाग कर रहा है, भौंक रहा है. तो ये सब क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं, ठीक है, और आपने, आपको पता भी होगा ये सारी चीज़ें. सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वेरियस साउंड्स. अलग अलग साउंड्स हैं ये सारे, ठीक है. और बहुत सारे होते हैं व्हीकल्स एंड जो म्यूज़िक होते हैं, म्यूज़िक का साउंड, बहुत सारे साउंड होते हैं. विच साउंड डू यू हियर ड्यूरिंग द रेसेस इन द स्कूल? तो आप रेसेस के दौरान जब आपके स्कूल में रेसेस होता है तो कौन सी आवाज़ सुनाई देती है? तो सबसे पहले आपकी घर, आपके जो स्कूल का बेल होता है, जो घंटा होता है, उसे बजाया जाता है. तभी तो आपका रेसेस होता है, लंच होता है तभी ना, तो आप वो सुनते हैं और बच्चों की आवाज़ सुनते हैं. और वहाँ पे जो भी अगर व्हीकल्स है या फिर बर्ड्स हैं, वहाँ पे डॉगी देखने को मिलेगा आपके, तो बहुत सारी आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी लंच के दौरान. और सबसे पहली चीज़ क्या कि आपको बेल्स जो मतलब होता है वो बजता है, तो वो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है. When there is silence in the classroom, close your eyes and sit quietly. With sound in your surroundings, can you hear now? तो जब आपके क्लास में एकदम साइलेंस हो, एकदम शांति हो, ठीक है, तो क्या करना है आपको, आपकी आंखें मतलब क्लोज योर आइज़, आपकी आंखें बंद कर लेनी है और क्या करना है, शांति से बैठ जाना है. तो आपको ध्यान ये देना है, आपको मतलब कि आपको अटेंटिव होना है और फोकस करना है कि आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आप नॉइज़ या फिर साउंड आप सुन पा रहे हो, ठीक है. तो ये आपको करना है एक्टिविटी, बहुत चीज़ों का आप आवाज़ सुनोगे, ठीक है. प्रिपेयर अ कॉमन लिस्ट ऑफ ऑल दीज साउंड्स एंड डिस्कस देम. सो प्रिपेयर अ कॉमन लिस्ट ऑफ ऑल दीज साउंड्स एंड डिस्कस देम. तो इन सारी चीज़ों का, जिन चीज़ों से साउंड्स आते हैं उन सब का आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है. यू विल सी दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द इन्यूमरेबल साउंड्स दैट वी हियर. सो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं जो इन्यूमरेबल साउंड, मतलब बहुत इन्यूमरेबल मतलब कि अनकाउंटेबल, इतनी ज़्यादा आवाज़ें होती हैं कि उसमें बहुत डाइवर्सिटी भी होती हैं. जैसे कि आप देखिए
अगर आप देखते हैं कितने सारे अलग अलग बर्ड्स होते हैं, अलग अलग एनिमल्स होते हैं, जैसे टाइगर की आवाज़ अलग होती है, आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में कि किस तरीके से उनकी अलग अलग जो साउंड होती है वो अलग अलग किस तरीके से करते हैं, जैसे कैट मियाओ एंड डॉग्स जो होते हैं वो बॉ बॉ बोलते हैं, ठीक है, और किस तरीके से जो घोड़े हैं वो हिनहिनाते हैं, जो बीज हैं वो भिन भिनाती हैं किस तरीके से हम करके, तो ये सब क्या है, अलग अलग उनके साउंड्स हैं, दैट मीन्स डाइवर्सिटी इन द इन्यूमरेबल साउंड्स दैट वी हियर। तो हम जो इतनी आवाज़ें सुनते हैं वो सब अलग अलग है। आप अगर देखोगे, अगर आप एक ग्लास में अगर आप पानी रख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से अगर आप ग्लास में पानी डाल रहे हो मग से, तो उसकी आवाज़ आप सुनो अलग थोड़ा रहेगा, लेकिन अगर आप बीच पे जाओ तो कितना ज़्यादा आवाज़ होता है जब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं समुंदर में, तो कितनी ज़्यादा आवाज़ें उठती हैं। तो इसकी वही पानी है, वही वाटर है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है लहरें उठती हैं तो किस तरीके से बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, ठीक है। वही ग्लास में आप पानी डालोगे थोड़ा सा तो उसका भी आपको आवाज़ सुनने को मिलेगा, साउंड सुनने को मिलेगा। दैट मीन्स बहुत अलग अलग आवाज़ें होती हैं, डाइवर्सिटी होती हैं आवाज़ों में, ठीक है, साउंड्स में। क्लासीफाई दीज साउंड्स इन टू वेज, सॉफ्ट लाउड एंड प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पे साउंड को टू वेज में क्लासिफाई किया गया है, मतलब कि हम कह सकते हैं टू टाइप्स ऑफ साउंड्स, लाइक सॉफ्ट एंड लाउड एंड प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। सॉफ्ट एंड लाउड, कुछ आवाज़ होती हैं जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं, सॉफ्ट होती हैं, और कुछ बहुत लाउड होती हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है उनकी। एंड कुछ साउंड्स कैसे होते हैं, बहुत प्लीजेंट, लाइक बहुत अच्छी कोई म्यूज़िक हो, बहुत अच्छा कोई गाना हो। और अनप्लीजेंट क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा डीजे चल रहा हो, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही हो, बहुत ज़्यादा बच्चे चिल्ला रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आवाज़, कोई ऐसा म्यूज़िक जो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा है जो आपके ईयर को अच्छा नहीं लग रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ अनप्लीजेंट साउंड्स, ओके। और जो बहुत अच्छा लग रहा है दैट इज़ प्लीजेंट, ओके, प्लीजेंट साउंड। सम साउंड्स आर लाउड एंड heard easily while some others are very soft and cannot be heard unless we listen attentively। कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं और हम उसे ईजिली सुन पाते हैं, जब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आएगी तो हम सुन ही लेंगे, बट अगर कोई जो साउंड होते हैं वेरी सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और हम उन्हें तब तक नहीं सुन पाते, वी कैन नॉट हर्ड अनलेस वी लिसन अटेंटिवली। अगर आप बहुत अटेंटिवली, बहुत फोकस्ड होके नहीं सुनेंगे, ध्यान लगा के, कान लगा के नहीं सुनेंगे तो वो आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी, ठीक है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कोई कोई वॉइस। वी लाइक सम साउंड्स, हम कुछ साउंड्स पसंद करते हैं, जैसे सॉफ्ट वॉइस में अगर कोई गा रहा है तो उसे हम बहुत पसंद, लेकिन कोई ज़ोर ज़ोर से गा रहा है, चिल्ला रहा है तो उसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड वी गेट अनॉयड बाई सम अदर साउंड्स, जबकि कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जिससे कि हम क्या अनॉय हो जाते हैं, दैट मीन्स कि हम अनॉय मीन्स व्हाट, इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं एकदम से, सो अनॉयड मीन्स डिस्टर्ब हो जाना, इरिटेट हो जाना, बहुत इरिटेटिंग अगर कोई नॉइज आ रही है, साउंड आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम उससे इरिटेट हो जाते हैं। हाउ आर साउंड्स प्रोड्यूस्ड, सो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, सो साउंड हमें पता है किसी कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई सोर्स ऑफ साउंड है जो जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हमारा हमारा क्या सोर्स, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो अपने माउथ से, ठीक है, तो हम उस तरीके से बात कर रहे हैं। वेन अ सॉन्ग इज़ बींग प्लेड ऑन अ रेडियो और अ म्यूजिक सिस्टम इन द हाउस, प्लेस योर हैंड ऑन इट्स स्पीकर, व्हाट डू यू फील। तो हम यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं, हाउ आर साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वो देख रहे हैं। अगर आपके घर में कोई रेडियो बज रहा है, ठीक है, या फिर इस तरीके का जो होता है स्पीकर्स, वो तो कोई भी म्यूज़िक सिस्टम है अगर आपके घर में वो बज रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके स्पीकर पे आपको अपने हैंड को रखना है। व्हाट डू यू फील, पुट ऑफ द म्यूज़िक, व्हाट डू यू फील नाउ। तो आप क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे अगर इस जगह पे जहाँ पे स्पीकर है, इस जगह पे अगर हाँ आप हाथ रखोगे ना, तो आपके हाथ में एक सेंसेशन सा फील होगा, मतलब एक वाइब्रेशन सा फील होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि इसी की वजह से ये वाइब्रेट हो रहा है, साउंड आ रही है, इसलिए ये वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, और ये वाइब्रेट हो रहा है तभी साउंड आ रही है, ओके। तो अगर आप इसे फिर से क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, तो आपको यहाँ पे पूछा गया ना, अगर आप यहाँ पे पुट ऑफ द म्यूज़िक, व्हाट डू यू फील नाउ, अगर आप यहाँ पे म्यूज़िक को पुट ऑफ कर दोगे, बंद कर दोगे, तो आपको ये वाइब्रेशन फील नहीं होगी, क्योंकि वाइब्रेशन यहाँ पे बंद हो जाएगा जैसे ही साउंड ख़त्म होगा, जैसे ही आप म्यूज़िक को बंद करोगे।
तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है साउंड प्रोड्यूस, कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही देखेंगे, टेक अ रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट एज शोन इन द पिक्चर्स। आपको एक रबर बैंड लेना है और इस तरीके से स्ट्रेच करना है, प्लग द स्ट्रेच बैंड, और क्या करना है, प्लग मीन्स खींचना है उसे। अपार्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द रबर बैंड व्हाट एल्स डिड यू नोटिस, तो आपने जब ये किया तो आपने क्या देखा, देखिए अगर इस तरीके से आपने रबर बैंड को पकड़ा हुआ है, अगर आप किसी को बोलेंगे इस तरीके से खींचने के लिए इसे, तो आपको एक वाइब्रेशन होगा इसमें और क्या होगा, एक आवाज़ सी सुनाई देगी, जैसे टोई या फिर टन करके ऐसे आवाज़ सुनाई देगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ही करना है, अगर कोई है नहीं आपके घर में, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो दो उंगलियाँ होती है ना, इस तरीके से जो दो उंगलियाँ होती हैं, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ठीक है, इस तरीके से आपको दोनों दो उंगलियां लेनी है, दोनों उंगली में इस तरीके से रबर को फंसाना है और अपने अपने दूसरे हाथ से इसे खींचना है। तो आप देख सकते हो, इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हो, और एक अलग तरीके का आपको साउंड सुनाई देगा और इसमें एक क्या होगा, वाइब्रेशन होगा इस रबर बैंड में। स्प्रेड सम सॉडस्ट और मस्टर्ड सीड्स और सैंड ऑन द डायफ्राम ऑफ अ तबला। तो आपको क्या करना है, स्प्रेड सम सॉडस्ट, ये सॉडस्ट मतलब जो धूल होती है वो, इस तरीके से, और क्या करना है, मस्टर्ड, मस्टर्ड सीड्स जो होती हैं, ठीक है, मस्टर्ड सीड जो सरसों के दाने होते हैं, और या फिर सैंड जो रेती होती है, उसको इस डायफ्राम, डायफ्राम मीन्स ये जो ऊपर का है, हम कह सकते हैं ऊपर का ये जो सरफेस है ना वो, तो तबले के इस तरीके रखना है आपको, तबला या फिर होता है ना ड्रम, ढोल जो होता है घर में वो, तो उस पर आप रखोगे, नॉक ऑन द डायफ्राम लाइटली विद द फिंगर, इस तरीके जब आप इस पर इस तरीके से नॉक करोगे ना इस तरीके से, तो क्या होगा, व्हाट डू यू सी हैपनिंग सो लॉन्ग एज द तबला मेक्स अ साउंड, तो किस तरीके से एक साउंड होगा, ठीक है। यहाँ इस तरीके से आप जब उस पर उंगली रखोगे, देखिए इस तरीके से जब आप इस पर उंगली इस तरीके से आप बजाओगे इसे, तो ये क्या होगा, एक तरीके का साउंड प्रोड्यूस होगा और क्या होगा, एक वाइब्रेशन भी फील होगा आपको, जिसकी वजह से ये सब क्या है, कह सकते हैं कि थोड़ा सा जंप करेंगे, थोड़ा सा ये उछलने लगेंगे वाइब्रेशन के, वाइब्रेशन की वजह से, ओके, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। व्हाट हैपन्स व्हेन द साउंड स्टॉप, और क्या होगा जब आप साउंड स्टॉप हो जाएगा, तो वो फिर एकदम रेस्ट में आ जाएगा, मतलब फिर से वैसे का वैसे हो जाएगा। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, तो इस ऑब्जर्वेशन से आपने क्या समझा, द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस साउंड दैट इज़ द डायफ्राम ऑफ द स्पीकर, तो यहाँ पे बता रहा है कि आप क्या समझोगे इससे, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट प्रोड्यूस साउंड, तो वो ऑब्जेक्ट जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ द डायफ्राम ऑफ द स्पीकर, द रबर बैंड, द डायफ्राम ऑफ अ तबला शो अ सर्टेन मोमेंट, मतलब कि जो ये सारी चीज़ें हमने देखी, ऊपर में हमने देखा स्पीकर, फिर नीचे देखा ये रबर बैंड, और यहाँ पे देखा हमने डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम ऑफ ड्रम और तबला, तो इससे क्या होता है, ये क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और क्या हो रहा है, एक वाइब्रेशन आ रहा है इसमें, एक मूवमेंट, सर्टेन मूवमेंट मीन्स वही वाइब्रेशन हो रहा है, दैट इज़ दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ मोशन, ये क्या है, काइंड ऑफ मोशन है, मोशन ही है ना इसमें, थोड़ा सा ये गति हो रही ना, मोशन हो रहा है ना, अब जब इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को, वाइब्रेशन मीन्स मोशन, दे ऑसिलेट रैपिडली, इन अदर वर्ड्स दे वाइब्रेट, मतलब ये क्या हो रहे हैं, ऑसिलेट हो रहे हैं तेज़ी से, रैपिडली ऑसिलेट मीन्स तेज़ी से इस तरीके से मूव होते हैं, ठीक है, मूव हो रहे हैं ये, बिल्कुल क्या हो रहा है, मूव हो रहा है इस तरीके से जब आप कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हम कह सकते हैं मतलब कि इनकी जो फ्रिक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, वो हायर फ्रिक्वेंसी हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो ऑसिलेट रैपिडली मीन्स तेजी से उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, ऑसिलेट मीन्स इन अदर वर्ड्स दे वाइब्रेट, तो आप उसे ऑसिलेट तेजी से, ऑसिलेट रैपिडली बोलो या वाइब्रेट बोलो, सेम थिंग, ओके, तेजी से वो वाइब्रेट होगा तभी उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो वाइब्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट द साउंड इज़ हार्ड, जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उस ऑब्जेक्ट में उतना ज़्यादा हार्ड आप, उतना ज़्यादा आप साउंड हर्ट कर सकते हो, मतलब सुन सकते हो,
ठीक है, एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द साउंड इज हर्ड। तो जितना ज़्यादा वो वाइब्रेट होगा उतना ज़्यादा आवाज़ आप सुन सकते हो। वेन द वाइब्रेशन स्टॉप, जैसे ही वाइब्रेशन स्टॉप होगा वैसे ही साउंड भी स्टॉप हो जाएगा। आप इसे इस तरीके से देखो, जैसे आप बर्तन आपकी मम्मी कभी धोती होगी या फिर खाना निकालने गई, तो ज़ोर से क्या होता है, हमारी जो सॉसर होती है या जो थाली होती है वो गिर जाती है नीचे, ठीक है। वो तब तक वैसे ही टन 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 बजती रहती है जब तक वो इस तरीके से ज़मीन में लड़ती रहती है, मतलब वाइब्रेट होती रहती है जब तक, तब तक आवाज़ आते रहता है। जैसे ही वाइब्रेशन स्टॉप होता है वैसे ही साउंड भी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। आप ये भी चीज़ करके देखना, कोई कोई भी ऐसे बर्तन हो आप गिरा के देखना, तो वो तब तक आवाज़ उसमें आती रहेगी जब तक वो इस तरीके से हिलते डुलते, मतलब कि ऑसिलेट होता रहेगा, रैपिडली ऑसिलेट होता रहेगा या वाइब्रेट होता रहेगा, तब तक उसमें से साउंड आती रहेगी। यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तबला जो है तभी बजेगा जब इसमें वाइब्रेशन होगा, जब इसे ज़ोर ज़ोर से बजाएगा, यहाँ पे हम इस तरीके से हाथ से बजाएंगे तो ये क्या होगा, वाइब्रेट होगा और तभी उसमें से आवाज़ आएगी। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं रबर, ये इस तरीके से खींचेंगे आप और ये वाइब्रेट ज़ोर से होगा, ज़ोर से रैपिडली ऑसिलेट होगा, वाइब्रेशन होगा इसमें, तभी इसमें से आवाज़ प्रोड्यूस होगी। आप इससे देख सकते हैं कि गिटार जो होता है उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे इस तरीके से लगे होते हैं, ठीक है। तो जो बजाते हैं आपने देखा होगा अरिजीत सिंह को बजाते हुए, जो अलग अलग सिंगर्स हैं, या फिर आपने मूवी में देखा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, यही यही तो खींचते हैं ना, यही जो यहाँ पे रबर होता है या आप कह सकते हैं स्ट्रिंग होती है, जो डोरियाँ होती हैं वही खींचते हैं और वो हिलता रहता है तभी वो आवाज़ आती है। तो ये मतलब वाइब्रेशन होगा तभी आवाज़ आएगी। द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच साउंड इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ दैट साउंड। और यहाँ पे बोल रहा है ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच साउंड इज प्रोड्यूस, जिस ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस होगा वही क्या होगा, सोर्स ऑफ दैट साउंड। अगर हम देख रहे हैं तबले से आवाज़ आ रही है, दैट मीन्स ये साउंड अगर अगर तबले से आ रही है दैट मीन्स कि ये सोर्स तबले तबला है, तभी उससे ये आवाज़ आ रही है। अगर फ्लूट बजा रहा है कोई, फ्लूट से जो बहुत अच्छी हुई हम कह सकते हैं म्यूज़िक निकल के आ रही है, तो उसका सोर्स क्या हुआ, वो फ्लूट हुआ, उसी के थ्रू आ रहा है ना, फ्लूट के थ्रू ही आ रही है आवाज़। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, वेन अ मेटल डिश फॉल्स ऑन द फ्लोर, अगर फ्लोर पे कोई मेटल डिश है, बर्तन है या फिर पीतल का हो, किसी भी बर्तन का हो, स्टील का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, कॉपर का मतलब, तो ये क्या होता है, जैसे ही फ्लोर पे गिरेगा बहुत ज़ोर की आवाज़ होगी, नॉइज़ होगा, लाउड नॉइज़। ओके, वट डू वी डू टू स्टॉप द नॉइज़, इसे स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, तुरंत जो उसका वाइब्रेशन हो रहा है पहले उस पर हाथ रखेंगे ताकि वो स्टॉप हो जाए। वॉट इज़ द इफेक्ट ऑफ दैट एक्शन, और इस क्या एक्शन, जैसे ही आप रोकेंगे उसे तो क्या होगा, आवाज़ जो साउंड है ज़ोर ज़ोर से, जो लाउड नॉइज़ आ रही है उस डिश की वजह से, उस सॉसर की वजह से, वो क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। जब उसका वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से, जो वो फ्लोर पर इस तरीके से करता रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जैसे ही आप उसे स्टॉप करोगे। द साउंड ऑफ अ सितार, अ बेल, वाटर दैट ड्रॉप्स फ्रॉम अ टैप, अ सॉसर दैट ब्रेक्स ऑन फॉलिंग डाउन, वॉट इज इट दैट वाइब्रेट्स वेन दीज साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई वही है कि जो सितार हम बजाते हैं या जो गिटार बजाते हैं, जो बेल बजता है आपकी स्कूल का, किस तरीके से देखिए, स्कूल में जब आप बेल बजाते हैं तो वो किस तरीके से बेल जब बजाता है, जब रहता है प्यून जो, तो किस तरीके से वो कुछ टाइम तक बजाने के बाद भी उसका वाइब्रेशन रहता है, ज़ोर ज़ोर से बजाता है तब भी उसकी आवाज़ ऐसा लगता है कि मतलब वो ज़ोर ज़ोर से ये हिलने लगता है ये बेल, और तभी वो साउंड प्रोड्यूस होता है बेल में, ठीक है। और सॉसर जब गिरता है, तो इन सारी चीज़ें जब गिरती हैं, देन वॉट इज़ इट दैट वाइब्रेट्स वेन दीज साउंड्स आर प्रोड्यूस, तो जब ये होती हैं तभी साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड भी नहीं होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अकॉस्टिक्स, अकॉस्टिक क्या है वो देखते हैं। द साइंस ऑफ साउंड रेजोनेंस इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन प्रोपेगेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ साउंड इज कॉल्ड अकॉस्टिक्स, दैट मीन्स कि अकॉस्टिक्स मीन्स क्या है, तो जो साउंड होती है, साइंस ऑफ साउंड, जो भी साउंड है, रेजोनेंस, रेजोनेंस मीन्स वॉट, तो रेजोनेंस मीन्स की होता है कि जैसे गूंज होती है, जैसे कि आप अगर कभी जो जैसे फोर्ट होता है कोई कोई किला होता है, या फिर आप जब पहाड़ी एरिया पे जाओ और पहाड़ पर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ,
तो मूवी में भी आपने देखा होगा, जोर जोर से जब वो पहाड़ पर से चिल्लाते हैं तो किस तरीके से गूंजने लगता है, वही आवाज़ वापस से आने लगती है। ठीक है, ऐसा लगता है जो आवाज़ आपने बोली वही आवाज़ फिर से टकरा के फिर से वही आपके पास फिर से दोबारा वही आवाज़ सुनाई देती है। अगर आपका जो रूम भी रूम में अगर स्पेस पूरा खाली है, कुछ भी सामान नहीं, तो भी हमें डबल डबल आवाज़ सुनाई देती है। दैट मीन्स रेजोनेंस, आवाज़ की जो गूंज होती है। ठीक है, दैट मीन्स रेजोनेंस, इको इको बोल सकते हैं गूंज। ठीक है, जो वापस से वही आवाज़ हमें सुनाई देती है। इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन मीन्स कि लाइक जो स्प्रेड होती है, ट्रांसमिशन होता है। एक जैसे कि यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि जो स्पीकर है, इस तरीके से स्पीकर आवाज़ आ रही है स्पीकर से, और ये यहाँ पे ये पर्सन है सपोज़। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इस पे इससे ये आवाज़ किस तरीके से जाएगी, प्रोपेगेशन मीन्स ट्रांसमिशन, कैसे यहाँ तक ट्रेवल करेगी आवाज़। ठीक है, तो वो चीज़ है। एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड अकॉटिक्स। तो अकॉटिक्स का मतलब वही चीज़ कि जो साउंड की क्वालिटी है, जो रेजोनेंस है, जो गूंज है, इसमें जो प्रोपगेशन है और इफेक्ट ऑफ साउंड, ये सारी चीज़ों को ही क्या बोला जाता है, अकॉस्टिक्स। ठीक है, अकॉस्टिक्स मतलब कि जो गूंज है, जहाँ से आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ का इफ़ेक्ट क्या है, उसी को क्या बोला जाता है, अकॉटिक्स। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल मीन्स डीबी। और यहाँ पे जो आवाज़ की इंटेंसिटी है, मतलब आवाज़ की कितनी इंटेंसिटी है, कितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, मतलब कितनी ज़्यादा तीव्रता है उसकी, कितना तेज़ है या कितना कम है, उसे मापने के लिए, उसे मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो डेसिबल में मापा जाता है। कितना डेसिबल, ठीक है, कितना डेसिबल, कितना डीबी है। तो जैसे यूनिट मीन्स क्या, आपको पता है ना कि जैसे हम कितने यूनिट में, जैसे कैलोरीज को मापने के लिए जूल था, हमने देखा था, केजी को मापने के लिए किस तरीके से हम देखते हैं केजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि किस तरीके से डिस्टेंस को मापने के लिए किलोमीटर होता है, मीटर होता है, ये सब। तो इसी तरीके से इसे मेजर करने के लिए मतलब कि साउंड की इंटेंसिटी को मापने के लिए, मेजर करने के लिए डेसिबल का यूज़ किया जाता है, डेसिबल यूनिट का यूज़ किया जाता है। द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कोड इज़ आर लारिंग्स और वॉइस बॉक्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड। देखिए, अब अगर आप यहाँ पे अपने गले पे आप बात कर रहे हैं या गाना गा रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे जो आपका थ्रोट होता है, थ्रोट के यहाँ पे अगर आप हाथ रखेंगे ना, तो आपको एक वाइब्रेशन महसूस होगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कोड्स। तो ये क्या है, वोकल कोड्स हमें पता है। ठीक है, वोकल कोड्स है इन आवर लैरिंग्स, और लैरिंग्स भी यही है। जो लैरिंग्स मीन्स व्हाट, तो लैरिंग्स मीन्स होता है कि जो कंठ की, जो हमारे ये गले की नली होती है, पाइप होती है, उसी को बोला जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज के थ्रू। ठीक है, इसी को बोला जाता है लैरिंग्स। तो यहाँ पे जो वोकल कोड्स है, जो बॉक्स है बात, जहाँ से आवाज़ निकलती है हमारी, वॉइस बॉक्स है जो, ठीक है, तो उससे उसमें भी वाइब्रेशन होता है, तभी तो हम बोल पाते हैं। हमारी आवाज़ जो आती है, जब आप हाथ रखोगे गले पे अपने, तो आपको लगेगा कि वाइब्रेशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे गले पे भी ये, तभी जब वाइब्रेशन हो रहा है हमारे अंदर से, इस तरीके से जब वॉइस बॉक्स से आवाज़ निकलती है, या फिर वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स क्या है, दोनों सेम चीज़ है और यही है वो। ठीक है, ये जो नली है, तो इससे आवाज़ निकलती है, प्रोड्यूस होती है साउंड, और वाइब्रेशन भी होता है हमारे, हमें पता है। तो अगर वाइब्रेशन ही नहीं होगी तो बात कैसे होगी, अगर आप इसे पकड़ लोगे ज़ोर से तो आवाज़ ही नहीं निकल पाएगी। ठीक है, द वॉइस बॉक्स इज़ लोकेटेड इन आवर थ्रोट। तो जो वॉइस बॉक्स है, ये जो देखिए, ये थ्रोट में ही है ना, ये थ्रोट में ही है ना। द क्वालिटी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड इन द लैरिंग्स डिपेंड्स अपॉन द टॉटनेस ऑफ द वोकल कोड्स। सो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ द साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, तुम्हारे लैरिंग्स डिपेंड्स अपॉन द टॉटनेस। सो ये टॉटनेस मीन्स कि जो कितना ज़्यादा हम कह सकते हैं इसका, मतलब कितना ज़्यादा ये तना हुआ है, कितना ज़्यादा इसमें फास्टनेस है, कितनी ज़्यादा ये कह सकते हैं कि मतलब कि कितना ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच कितना है, उस पर डिपेंड करती है कि हमारी जो वॉइस है, जो साउंड है, उसकी क्वालिटी कितनी होगी, कैसी होगी। ठीक है, तो किसी की आवाज़ बहुत स्वीट होती है, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ये भी कह सकते हैं कि बहुत वो लोग स्लो बोलते हैं, स्लो मीन्स कि उनकी आवाज़ बहुत धीमी होती है, और किसी की आवाज़ बहुत लाउड होती है, वो धीरे से बोलेंगी फिर भी उनकी आवाज़ बहुत ज़ोर से जाएगी। तो ये क्या होता है कि डिपेंड करता है टॉटनेस पे, टॉटनेस पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखेंगे, वोकल कोड्स कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है वॉइस बॉक्स, उसकी जस्ट नीचे होती है, लैरिंग्स कहाँ पे होती है, यहीं पे होती है, और किस तरीके से ये टाइट कितनी होती हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारी वॉइस क्वालिटी
जो हमारी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी होगी। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिया गया है, देख लेते हैं। टेक अ पॉट फिल्ड विद वाटर, आपको वाटर लेना, मतलब वाटर लेना है इस तरीके से किसी पॉट में। स्ट्राइक इट लाइटली ऑन इट्स रीम, इसके रीम पे धीरे से आपको क्या करना है, स्ट्राइक करना है इस तरीके से। देखिए स्पून से किस तरीके से धीरे से उस पर इस तरीके से टच करना है थोड़ा सा। वॉट डू यू सी, वाई आर वेव्स फॉर्म ऑन द वाटर इन द पॉट, यहाँ पे वेव्स क्यों फॉर्म हो गए वाटर में, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेट किया गया इस पॉट को, इसकी वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन आए, ठीक है। वाइब्रेशन इन द वाटर एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यहाँ पे वाइब्रेशन भी हुआ जैसे ही, साउंड भी निकला इस पॉट से, और तभी क्या हुआ यहाँ पे इस वाइब्रेशन के थ्रू, ये देखिए वाटर में इस तरीके से वेव्स भी आ जाते हैं, लहरें आ जाती हैं। हाउ साउंड इज हर्ट, हम आवाज़ कैसे सुनाई देता है हमें, ठीक है, कैसे सुन सकते हैं वो देखते हैं। देयर इज़ एयर अराउंड अ सोर्स ऑफ साउंड, तो क्या होता है जहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड होता है वहाँ पे एयर भी होता है, ठीक है। एज द सोर्स ऑफ साउंड बिगिंस टू वाइब्रेट द लेयर ऑफ एयर नियरेस्ट टू द सोर्स ऑल्सो वाइब्रेट्स, देखिए आप जहाँ पे भी हैं बात कर रहे हैं, सपोज़ कि यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे दूसरा पर्सन है, ठीक है, तो इसने कुछ बात बोली, ठीक है, बात बोला इसने, और यहाँ के इसकी इन दोनों के बीच में क्या है, एयर है, एयर है दोनों के बीच में। एयर में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स होते हैं, ओके, तो यही एयर पार्टिकल्स हमें पता है जो हवा है वो इधर उधर घूमती रहती है, तो यही एयर पार्टिकल्स क्या करती है, इसके तक पहुंचाती है बात को, ठीक है, बात को इसके तक पहुंचाती है। अब यही पर्सन अगर बहुत दूर रहे, बहुत ज़्यादा दूर रहे, तो क्या ये वाइब्रेशन ये जो एयर पार्टिकल्स है यहाँ तक पहुँचेगी, नहीं, क्योंकि ये उतना ज़्यादा उसकी जितनी कैपेसिटी होगी, मतलब जितना पास में रहेंगे उतना ज़्यादा वो सुन पाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो नियरेस्ट लेयर होता है एयर का वो क्या होता है, वाइब्रेट करता है, वो भी सोर्सेज नियरेस्ट टू द सोर्सेज ऑल्सो वाइब्रेट, तो ये भी क्या होते हैं, जो एयर है वो भी वाइब्रेट होने लगता है उस साउंड की वजह से, उस साउंड की वजह से एयर भी वाइब्रेट होता है और वाइब्रेट होके उस पर्सन तक भी पहुँचा देता है वो वॉइस, वो साउंड। A wave of vibrations of that sound spreads in all the directions from the source of sound. तो जो waves होते हैं vibrations के, तो वो क्या करते हैं, sound को spread कर देते हैं, transmit कर देते हैं, मतलब कि sources of sound, जो sources of sound होता है, जो भी sources of sound, suppose कि ये person है sources of sound, इसका जो mouth है वो बात कर रहा है, तो इसकी आवाज़ को क्या होगा, spread कर देगा air, जो यहाँ पे waves बनते हैं, मतलब जो waves होते हैं air में, तो ये क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँचा देंगे, स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। सच अ वेव इज़ कॉल्ड अ साउंड वेव, मतलब कि यही क्या है, साउंड वेव है, सच अ वेव इज़ कॉल्ड अ साउंड वेव। द साउंड वेव्स रीच आर ईयर्स, तो जो साउंड वेव्स हैं ये हमारे कानों तक पहुँचते हैं, ईयर्स तक। देयर इज़ अ डेलिकेट डायफ्राम और एयर ड्रम इन द कैविटी ऑफ ईयर्स, तो हमारी जो ईयर होते हैं, ईयर में क्या होता है कि क्या होता है, डायफ्राम या ईयर ड्रम, मतलब कि जैसे हमने देखा किस तरीके से वो जो तबला था उसके ऊपर किस तरीके से डायफ्राम होता है, उसी तरीके हमारे कान का भी डायफ्राम होता है जो वाइब्रेट होता है और उसकी वजह से हम सुन पाते हैं, मतलब कि ये जो साउंड वाइब्रेशन है वो टच करता है हमारे ईयर के डायफ्राम या ईयर ड्रम, जो कान का पर्दा होता है, दैट मीन्स ईयर ड्रम, तो उसे टच करता है, तो वो हमारे जो हमारा जो ईयर ड्रम कान का पर्दा है वो फिर वाइब्रेट होता है जिसकी वजह से हम सुनते हैं। इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू, तो जो हमारे कान का ईयर ड्रम है वो भी स्टार्ट कर देता है वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देता है, वाइब्रेट होने लगता है। द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय दीज वाइब्रेशंस आर पास्ड ऑन द ब्रेन थ्रू द नर्व्स इन द ईयर्स एंड वी हियर द साउंड, और यही सेंसेशन जो हमारे कान के पर्दा जो हमारा ईयर ड्रम होता है उस पे मतलब सेंसेशन होगा, वो वाइब्रेट होगा और इस तरीके एक तरीके का सेंसेशन पहुंचेगा और यही वाइब्रेशन हमारे ब्रेन को पास करेगा, हमारे मस्तिष्क को, ठीक है, यहाँ से हमारे ब्रेन को पास करेगा ये। उसके बाद क्या होगा, जो नर्व्स हैं हमारे मतलब ब्रेन थ्रू द नर्व्स इन द ईयर्स, जो ईयर्स है उसके नर्व्स के थ्रू, नसों के थ्रू क्या होगा, हमारे ब्रेन तक पास करेगा उस आवाज़ को, और इसे ही क्या होगा, इसकी तरीके से फिर हमारा जो ब्रेन होगा वो समझेगा कि हाँ क्या बोला जा रहा है, किस चीज़ का साउंड है, किस ऑब्जेक्ट का साउंड है, तो ये हमारा जो ब्रेन है वो एनालिसिस करता है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, आप ये समझ सकते हैं कि सपोज़ कि यहाँ पे म्यूज़िक बज रहा है, कोई आपका फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है, या फिर कोई फेवरेट सीरियल चल रहा है आपका,
तो क्या है कि यहाँ पे कोई आप यहाँ पे हो और यहाँ पे वो म्यूज़िक चल रहा है, सपोज़ कि म्यूज़िक चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आवाज़ आई, ठीक है, आवाज़ आई, आपने ये चीज़ें सुनी इस एयर के थ्रू। एयर में हमें पता है एयर में भी वाइब्रेशन होता है, वेव्स होता है एयर, और साउंड में भी वाइब्रेशन होता है जिसके थ्रू हमारे कान के ईयर ड्रम तक पहुँचता है। हमारा ईयर ड्रम जो हमारे कान का पर्दा होता है, हमारे कान का पर्दा ये सोचता है कि हाँ, मतलब कान का पर्दे से की वजह से हमारे ब्रेन में जाता है, ब्रेन सोचता है हाँ ये किस चीज़ की आवाज़ है, ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है, तो ये वो एनालिसिस कर देता है, ब्रेन यहाँ पे एनालिसिस करता है। दैट मीन्स ये चीज़ें हम तुरंत सुनते हैं, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना साउंड की, बहुत तेज़ी से होती है, जो हमारे यहाँ पे ईयर ड्रम की फ्रिक्वेंसी होती है जो वाइब्रेशन का बहुत ही स्पीड में होता है, बहुत ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी होती है, तुरंत के तुरंत हमें हमारा जो कान का पर्दा है वो सुनता है, वो समझता है, तुरंत हमारे ब्रेन को पास करता है, ब्रेन भी ये समझती है और तुरंत सुनती है और तुरंत उस बात को समझ लेती है, तुरंत ही हम उस बात को सुन लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना ये बहुत ही स्पीड में होती है, बहुत हायर फ्रिक्वेंसी में होती है, स्पीड बहुत तेज़ होती है इसकी, जिसकी वजह से तुरंत की तुरंत अभी बोला और तुरंत की तुरंत वो चीज़ें समझ में आ गई, टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। ओके, अब हम देखते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन क्या है? प्रोपेगेशन मीन्स वॉट? दैट मीन्स स्प्रेड होना किसी भी, मतलब साउंड कैसे स्प्रेड होता है, कैसे ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ट्रांसमिशन कैसे होता है उसका, ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक, वो ट्रांसमिशन साउंड कैसे होता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ट्रेवल करता है, वो दैट मीन्स प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। टेक टू बलून्स, आपको टू बलून्स लेने हैं, फील एयर इन वन एंड वाटर इन द अदर। एक एक बलून में आपको कह सकते हैं एयर के थ्रू, मतलब आपको मुंह से फुलाने हैं ताकि उसमें एयर जाए और वो फूक जाए, और दूसरे में क्या करना है आपको वाटर भर देना है, ठीक है, वाटर के थ्रू उसमें पूरा उसको फील कर देना वाटर। प्रेस द बलून फील्ड विद एयर अगेंस्ट योर ईयर एज शोन इन द पिक्चर। आपको क्या करना है, ये जो एयर वाला है ना आपके कान के पास में, इस तरीके से क्या करना है बलून को, मतलब कि एयर उसमें भरना है और उसे अपने ईयर के पास में रखना है, रब अ फिंगर, और उस पर क्या करना है फिंगर से रब करना है, रगड़ना है, ठीक है, बलून को, तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द बलून वी फिल्ड विद वाटर, और इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पे किया उसी तरीके से वाटर वाले बलून से भी आपको इस तरीके से उस पर उंगलियों को फेरना है, फिंगर्स को इस तरीके से रब करना है। थ्रू विच बलून डू वी हियर अ क्लियर साउंड, तो आपने किस बलून से आपने क्लियर साउंड सुना, किस में ज़्यादा साउंड सुना आपने, सो ऑब्वियसली वाटर वाले में, क्यों वो हम आगे देखते हैं। आपकी इस बुक में बहुत ही अच्छे से क्लियरली सब समझाया है। ओके, स्टैंड एट द एंड ऑफ अ बिग टेबल एंड मेक अ फ्रेंड स्टैंड एट द अदर एंड, तो आपको क्या करना है, अच्छा पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि क्लियर ये आवाज़ वाटर वाले में क्लियर क्यों आई। देखिए पहले ये क्या है, ये वाटर, देखिए सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उसमें आपको ज़्यादा आवाज़ आएगी, उसके बाद आपको आवाज़ ज़्यादा आएगी वाटर में, उसके बाद आपको आवाज़ आएगी हवा में, एयर में, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे हवा है, अगर एयर में मतलब हम कह सकते हैं कि कम होता है साउंड की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है सबसे ज़्यादा सॉलिड में। अगर आप एक कोई स्टिक लो, डंडा लो, ठीक है, और आपको ज़ोर से क्या करना है किसी एक आयरन या फिर लकड़ी पे या फिर फर्श पे, आपको फ्लोर पे ज़ोर से पीटना है, उसके बाद आपको वैसे ही वाटर के, वाटर का कोई सोर्स हो जैसे तालाब हो उस पे पीटना है उतने ही ज़ोर से, और फिर ज़ोर से आपको अगर हवा में आप घुमाते हो आप देखो किस में आपको ज़्यादा आवाज़ आएगी, तो ऑब्वियसली आपको इसमें, ठीक है, इसे आप अभी समझोगे आगे भी। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा सॉलिड में जो सॉलिड थिंग्स होती है, सॉलिड सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उससे साउंड ज़्यादा आएगा, उसके बाद एयर में उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे एयर है, एयर में सबसे ज़्यादा सबसे कम आप आवाज़ सुन सकते हो, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं स्टैंड एट द एंड ऑफ अ बिग टेबल एंड अ फ्रेंड स्टैंड एट द अदर्स एंड, तो एक मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक यहाँ पे टेबल लेना है बड़ा सा और एक एक मतलब एक एंड पे एक पर्सन, जैसे कि ये टेबल है उसके एक छोर पे आपका फ्रेंड है सपोज, ठीक है, यहाँ पे आपका फ्रेंड है और यहाँ पे आप हो, तो आस्क द फ्रेंड टू नॉक लाइटली ऑन द टेबल, तो आपके फ्रेंड को बोलना है कि यहाँ पे मतलब कि जो थोड़ा सा मतलब लाइटली वो क्या करे टेबल पे थोड़ा एक मतलब कि नॉक करे, ठीक है, नॉक करे,
यू विल हीयर अ फेंट साउंड, तो आप क्या सुनोगे, फेंट साउंड सुनोगे, ज़्यादा मतलब हल्की आवाज़ सुनोगे, ठीक है। नाउ यू प्रेस योर ईयर टू द टेबल एंड आस्क द फ्रेंड टू रिपीट द नॉक, फॉर डिफरेंस डू यू नोटिस, डू यू नोटिस। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप ऐसे ही सिर्फ बैठे थे यहाँ पे, तो आपने जब उसने नॉक किया तो आपने आवाज़ को थोड़ा हल्का में सुना, लेकिन आप क्या करोगे अभी अभी ना, अपने जो आपका जो ईयर है इसी पे एकदम से चिपका के आपको ये जो टेबल है उस पर रख देना है, मतलब कि आपने आपके सर को जो ईयर है उसको इस पर रखना है, और फिर उसको बोलो कि नॉक करने के लिए, ठीक है, आवाज़ करने के लिए, इस पर साउंड करने के लिए टेबल पे, तो फिर आप देखो कैसा सुनाई देगा उसको। तो इस बार आपको आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सुनाई देगा, ठीक है, कंपैरिजन देन फर्स्ट एक्टिविटी। तो इसमें क्या डिफरेंस मिलेगा आपको, तो डिफरेंस यही मिलेगा कि पहले वाले में आपको कम आवाज़ फेंट नॉइज़ फेंट साउंड आपको सुनाई देगा, लेकिन सेकेंड टाइम आपको स्ट्रॉन्ग साउंड सुनाई देगा। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थ्रू एयर वाटर और थ्रू अ सॉलिड एंड रीचेज आवर ईयर्स। देखिए तो जहाँ यहाँ पे साउंड क्या है, ट्रेवल करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स थ्रू एयर, एयर के जो वेव्स होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू, वाटर के थ्रू, या फिर सॉलिड थिंग्स के थ्रू हमारे कानों तक पहुँचते हैं। साउंड इज़ प्रोपेगेटेड फॉर्म क्लियरली थ्रू अ लिक्विड दैन थ्रू एयर। तो यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे साउंड प्रोपेगेटेड, मतलब जो साउंड है वो प्रोपेगेट होता है, ट्रांसमिशन होता है, या कह सकते हैं कि स्प्रेड होता है, ट्रेवल होता है क्लियरली अ लिक्विड दैन थ्रू एयर। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि लिक्विड जो अगर लिक्विड फॉर्म में है और उसमें आप साउंड करोगे तो उसमें ज़्यादा आवाज़ आएगी कंपैरिजन देन एयर। इट इज़ हर्ड मोस्ट क्लियरली थ्रू अ सॉलिड, लेकिन सॉलिड में क्या है वो सबसे ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। व्हाई इज़ दिस सो, सो इसका रीज़न यही है कि देखिए सॉलिड में क्या होता है, इसकी हम देखते हैं कि बहुत ही सॉलिड होता है, मतलब कि एकदम से क्या होता है, ये ठोस होता है, और इसके पार्टिकल्स आप देखते हैं जब लकड़ी का घिसते हैं तो किस तरीके से चूरा निकलता है, कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। दैट मीन्स कि इसमें बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे एकदम बहुत ही ज़्यादा, उसकी उनकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा घनी है, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही डेंसिटी में वो रहते हैं, बिल्कुल भी गैप नहीं होता इनमें, ठीक है। लेकिन जो वाटर है, ठीक है, जो यहाँ पे लिक्विड है उसमें क्या होता है, जो उसके लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, और जो एयर होता है, एयर का पार्टिकल तो बहुत ही दूर दूर होता है, और वो मूव भी करते रहता है यहाँ से वहाँ तक, ठीक है, सुनते हैं हम उसके भी थ्रू हैं, लेकिन सॉलिड में, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर सॉलिड पार्ट में आप किसी में ज़ोर से साउंड अगर किसी लकड़ी से मारते हो तो ज़्यादा आवाज़ आएगी, वही अगर आप पानी में करोगे तो कम आवाज़ आएगी, वही एयर में ज़ोर ज़ोर से घुमाओगे तो आपको उतना ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि वो हवा है, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड अकर्स एट अ डिफरेंट स्पीड थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है, दैट मीन्स प्रोपेगेशन जो है वो उस साउंड अकर, मतलब उसका जो साउंड है अलग अलग डिफरेंट स्पीड होता है उसका डिफरेंट मीडियम का, जैसे कि मीडियम मीन्स कि वही यहाँ पे सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम एंड एयर मीडियम, तो ये सब क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है, इनके ही थ्रू तो हम आवाज़ को सुन पाते हैं ना, यही आपने यहाँ पे पढ़ा ना कि इन्हीं के थ्रू हमें आवाज़ सुनाई देती है, इन्हीं के थ्रू जो साउंड है वो ट्रेवल करती है। तो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज़ फास्टर थ्रू अ लिक्विड दैन थ्रू अ गैस। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है, ट्रेवल है साउंड का, वो बहुत ही तेज़ी से होता है लिक्विड में, लिक्विड में तेज़ी से होता है, ज़्यादा होता है, और गैस में क्या होता है, कम होता है, एंड फास्टर थ्रू अ सॉलिड दैन थ्रू अ लिक्विड। लेकिन जो सॉलिड है वो उससे भी ज़्यादा, लिक्विड से भी ज़्यादा सॉलिड में आपको यहाँ पे फास्टर, मतलब उसकी जो स्पीड है, जो ट्रांसमिशन है वो तेज़ी से होगा, किस में, तो सॉलिड में, ठीक है। सॉलिड में अगर किसी आप जो आयन है या लकड़ी है या कोई और मेटल है, ठीक है, या फिर और कोई सॉलिड चीज़ है उस पर आप आवाज़ करो, देखो कितनी दूर तक जाती है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इसमें आवाज़ ज़्यादा होती है, और लिक्विड में उससे कम, और उससे भी कम गैस में, लाइक एयर। न्यू वर्ड्स, तो आपने न्यू वर्ड्स इसमें क्या पढ़ा, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, तो प्रोपेगेशन मीन्स क्या होता है, साउंड इज सेड टू बी प्रोपेगेटेड व्हेन साउंड वेव स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम अ सोर्स ऑफ साउंड। दैट मीन्स साउंड इज सेड टू बी प्रोपेगेटेड, मतलब साउंड जो है वो प्रोपेगेट होता है, ट्रांसमिट होता है, या कह सकते हैं ट्रेवल होता है, When sound waves spread in all, जब साउंड वेव्स होते हैं इस तरीके से, साउंड वेव्स जो साउंड, सपोज कि ये स्पीकर है, ठीक है, और इसके जो साउंड वेव्स हैं इस तरीके से जाते हैं और हर जगह हर डायरेक्शन में ये साउंड जो दूर दूर तक जाता है, ये जो साउंड सोर्स है सपोज ये स्पीकर है और इसी के थ्रू क्या है कि ये दूर दूर तक जा रहा है, इसके जो वेव्स हैं,
ठीक है, इसके वेव्स दूर दूर तक जा रहे हैं, इस तरीके से दूर दूर तक जा रहे हैं, यही क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। कहाँ दूर दूर तक जा रहा है, मतलब फैल रहा है वो वाइब्रेशन के थ्रू, वेव्स के थ्रू जो ऑब्जेक्ट है उसका जो साउंड निकल रहा है वो दूर दूर तक फैल रहा है इस तरीके से, दैट मीन्स प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। वही जो ट्रांसमिट हो रहा है दूर दूर तक फैल रहा है, वही क्या है, प्रोपेगेशन है। द मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, तो मीडियम क्या है, तो हमने पढ़ा द सब्सटेंस अराउंड अ सोर्स ऑफ साउंड थ्रू विच साउंड वेव्स स्प्रेड इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो वो सब्सटेंसेज जो हमारे चारों तरफ होती हैं सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है, जो सोर्स ऑफ साउंड होती हैं वो चीज़ें, ठीक है, कोई भी सोर्स ऑफ साउंड है जो कि दूर दूर तक जा रही हैं थ्रू विच साउंड वेव्स, साउंड वेव्स के थ्रू उसी को क्या बोला जाता है, मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। जैसे कि हमने देखा लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। इफ अ बेल इज हंग इन अ वैक्यूम कंटेनर विल इट साउंड टू बी हर्ड आउटसाइड। वैक्यूम मीन्स कि जहाँ पे कि नो एयर एम्प्टी स्पेस, मतलब कि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, तो अगर यहाँ पे कोई बेल है जो वैक्यूम कंटेनर में रखी हुई है, सो विल इट साउंड बी हर्ड आउटसाइड, तो क्या उसकी बाहर आवाज़ जाएगी, तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि वहाँ पे जैसे कोई इस तरीके से बंद कर दिया किसी बेल को, वैक्यूम कंटेनर है, तो जहाँ पे हवा ही नहीं है, ठीक है, हवा ही नहीं है, तो हवा के थ्रू ही तो जाता है ना आवाज़ बाहर, और तो बाहर वाले को आवाज़ सुनाई देगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं जाने के लिए उसे आवाज़, ठीक है, एयर ही नहीं है, उसे बंद करके रखा गया कंटेनर में, इसलिए। वैक्यूम मीन्स एन एम्प्टी स्पेस फ्रॉम वेयर एयर इज़ पार्शियली रिमूव, जहाँ पे एयर बिल्कुल है नहीं, ठीक है, दैट मीन्स वैक्यूम कंटेनर। वैक्यूम मीन्स यहाँ पे एम्प्टी स्पेस फ्रॉम वेयर एयर इज़ पार्शियली रिमूव, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल भी साउंड नहीं है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस विच ऑफ दिस साउंड इज प्रेजेंट, विच साउंड आर अ न्यूसेंस टू पीपल। न्यूसेंस मीन्स वॉट, सो मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा हिंड्रेंस हो रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, दैट मीन्स न्यूसेंस। कौन सी यहाँ पे आवाज़ है, कौन कौन से ऐसे साउंड है जो कि लोगों में न्यूसेंस कर रहा है, ठीक है, मतलब कि लोगों को सुनाई दे रहा है उसकी वजह से कोई आवाज़, या कह सकते हैं ऑब्स्टेकल आ रहा है, इरिटेटिंग हो रही है, दैट मीन्स न्यूसेंस। और यहाँ पे कौन सी आवाज़ प्लीजेंट लगी, तो ये जो बहुत अच्छे तरीके से गाएगी उससे क्या होगा, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अगर वो एक सुर ताल में गा रही है बहुत अच्छे से, तो वहाँ पे अच्छा लगेगा। और ये क्या है, यहाँ पे ये लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे रो रहा है, तो ये बहुत ही क्या लगेगा, न्यूसेंस है, ठीक है, न्यूसेंस है, बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बहुत इरिटेटिंग है, ऐसे बच्चे रोते रहेंगे जोर जोर से सब जगह पे, तो वो बहुत इरिटेट करता है। और ये यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिंग में बांधा हुआ है, बर्तन को ज़ोर ज़ोर से घसीट रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ये भी एक अजीब तरीके का नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे, मतलब कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये प्लीजेंट वॉइस है, इससे लोगों को अच्छा लगेगा, जबकि ये क्या है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो ये अनप्लीजेंट है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है वो देखते हैं। अ लाउड साउंड इज़ हार्श टू द हीयर, जो आवाज़ को सुनने में बहुत ही हार्श लगे, बहुत ही हार्श मीन्स कि बहुत हार्ड लगे, कठोर लगेगी आवाज़ को, मुझे ये सुनना पसंद बिल्कुल नहीं है, ऐसा लगे वो, ऐसा साउंड, दैट मीन्स नॉइज, सच साउंड प्रोड्यूस नॉइज, ऐसे जो होते हैं साउंड, ये मतलब इस तरीके के जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं नॉइज़, उसे बोलते हैं कितना नॉइज़ हो रहा है, कितना ज़्यादा शोर है, शोर, ठीक है, नॉइज मीन्स शोर। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जैसे बर्ड्स है जोर जोर से चिल्ला रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो व्हीकल्स हैं, अलग अलग व्हीकल्स, तो इससे जोर जोर से हॉर्न बज रहे हैं, तो जोर जोर से चिल्ला रहा है। यहाँ पे ये बच्चा है जोर जोर से चिल्ला रहा है, इस तरीके से आवाज़ कर रहा है, ये यहाँ पे पर्सन बात कर रहा है, ये जोर जोर से रो रहा है, ये यहाँ पे बात कर रहा है, भौंक रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे हंस रही है बहुत जोर जोर से, और यहाँ पे ये देखो ड्रम बजा रही है, और ये यहाँ पे टीवी देख रही है, इसकी भी आवाज़ आ रही है, तो ये सब क्या मिलके एक नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शोर पैदा करते हैं। अ नॉइजी सीन, यही क्या है, नॉइजी सीन, देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि पूरा नॉइजी सीन है, कितना ज़्यादा शोर है यहाँ पे। मेक अ लिस्ट ऑल द साउंड्स इम्प्लाइड इन द पिक्चर, तो यहाँ पे क्या बोला है कि मेक अ लिस्ट ऑल द साउंड, तो देखा हमने कौन कौन सी चीज़ों से साउंड आ रहा है, हर यहाँ पे जितने भी लोग हैं साउंड ही प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी न किसी वजह से। हाउ वुड दिस एटमोसफियर अफेक्ट अ पर्सन हु इज़ नॉट फीलिंग वेल, अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जो उसकी तबीयत सही नहीं है, नॉट फीलिंग वेल दैट पर्सन, सो
क्या इस एटमॉस्फेयर का क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर, ठीक है, किस तरीके से ये एटमॉस्फेयर उसे अफेक्ट करेगा, तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राबी होगी क्योंकि उसे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रहा है, पीस नहीं है। तो हमें देखते हैं कि जो बीमार रहते हैं उनको क्या चाहिए, पीस चाहिए, शांति चाहिए, ठीक है, उन्हें आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वुड यू बी एबल टू स्टडी इन दिस कंडीशंस, तो क्या ऐसी कंडीशन में आप मतलब यहाँ पे पढ़ पाओगे, तो बिल्कुल नहीं, आपको पढ़ने के लिए थोड़ी शांति चाहिए, शांति का माहौल चाहिए, ऐसे माहौल में आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। द सिचुएशन शोन इन द टू पिक्चर्स ऑन पेज 94 आर ऑफन सीन अराउंड अस, तो हमने देखा जो 94 में, ठीक है, 94 इमेज में जो हमने देखा, तो उसमें क्या है कि ये आपने ज़्यादा देखा होगा, वो आप देखते ही होंगे अक्सर। सम ऑफ द साउंड्स दे डिपिक्ट डिपिक्ट आर प्लीजेंट वाइल अदर्स आर हार्श, तो कुछ यहाँ पे साउंड कैसे हैं दिखाए गए थे, कुछ यहाँ पे जो वॉइस थे वो बहुत साउंड थे वो बहुत ही मतलब प्लीजेंट थे, अच्छे लगे हमें, लेकिन कुछ बहुत हार्श लगे, ठीक है। तो यही है आपका पेज नंबर 94 जिसकी बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए कुछ आवाज़ यहाँ पे प्रेजेंट हैं जबकि कुछ आवाज़ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये बर्ड है तो ये अच्छे से चहचहा रही है, चप कर रही है, चपिंग कर रही है, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी का इसमें तो अच्छा लगने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 94 पेज की बात की, वेरी लाउड और कंटिन्यूस नॉइज़ हैज़ एडवर्स अफेक्ट ऑन द पीपल ऑफ दैट लोकेलिटी, तो जो बहुत ज़्यादा लाउड में अगर कुछ आवाज़ है कंटिन्यूसली वो बजी रहा है या फिर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, तो ये क्या होता है, एडवर्स मीन्स कि उसका बहुत ही एडवर्स कह सकते हैं कि बहुत ही उसका मतलब कि अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, एडवर्स मतलब उसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है, लोग जो आसपास के लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है, उनको डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। देयर हियरिंग मे गेट इम्पेयर्ड, तो यहाँ पे उनकी जो हियरिंग होती है वो क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड, दैट मीन्स डैमेज हो जाएगी जो उनकी हियरिंग एबिलिटी है, जो उनकी मतलब कह सकते हैं डिसेबिलिटी हो जाएगी, उनको सुनने में प्रॉब्लम आने लगेगा। अगर इस तरीके से बहुत ज़्यादा जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ पे नॉइजी एरिया है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आवाज़, तो वहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करता, लोग शांति में रहना पसंद करते हैं, ओके। तो जहाँ ज़्यादा इस तरीके की आवाज़ होती है वो एडवर्स मतलब बिल्कुल उल्टा उसका इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। देयर हियरिंग मे गेट इम्पेयर्ड मीन्स आपको मैंने बताया कि क्या होता है, डैमेज हो जाती है उनकी जो एबिलिटी होती है सुनने की, या फिर क्या हो जाता है, विच कैन इवन लीड टू डेफनेस, मतलब कि यहाँ तक कि वो बहरे भी हो सकते हैं। डेफनेस मतलब कि वो उनकी जो सुनने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो भी ख़त्म हो सकती है, वो डैमेज हो सकती है, ओके। इट कैन ऑल्सो कॉज रेस्टलेसनेस, इससे क्या होता है, ये रेस्टलेस का भी रीज़न बन सकता है। रेस्टलेस मीन्स यू नो लाइक जैसे कि बिल्कुल भी आराम नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे पूरा एक फटीग लगेगा। रेस्टलेस मीन्स कि यही जैसे कि आपको मेंटली आपको लगेगा कि आप बहुत थके हुए, मेंटली फटीग, ओके, आप बहुत मेंटली फटीग, लाइक बहुत थके थके लगोगे, आपको बिल्कुल शांति नहीं रहेगी। इरिटेबिलिटी, बहुत इरिटेट हो गए उस साउंड से, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे साउंड हो रही है दिन रात तक, कुछ गाड़ी मोटर की आवाज़ें आ रही हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली, जहाँ पे दिन भर डीजे बजता रहता है, तो इससे क्या होगा, इरिटेट होता है इंसान। मेंटल एग्जॉशन, वही मेंटल एग्जॉशन मीन्स लाइक वही मेंटल फटीग, आपको मेंटली यहाँ पे आप मेंटली आप थक जाओगे, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं रहेगा आपके माइंड को। वन कैन नॉट वर्क विद कॉन्सेंट्रेशन, और कोई भी अपने वर्क को अपने काम को विद कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सकता, ओके, फोकस्ड ही नहीं हो पाएगा इंसान, कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाएगा, तो भी फिर वो काम कैसे कर पाएगा। दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूस नॉइज़ विच मे हैव इल इफेक्ट्स इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन, और इसी तरीके की जो कंटिन्यूस नॉइज़ होती है मतलब हमेशा इसी तरीके की नॉइज़ चलती रहती है आसपास में, तो इससे क्या होता है, इल इफेक्ट्स इज़ कॉल्ड मे हैव इल, तो इससे लोग क्या पढ़ते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि बहुत उनमें रेस्टलेसनेस आ जाती है, और उनमें एक मेंटली डिस्टर्बेंस रहता है, तो एक इल मतलब बीमार जैसी हालत हो जाती है, तो ये क्या होती है, तो यहाँ पे मतलब बीमारी इफ़ेक्ट आ जाती है, मतलब कि अजीब सा ये इफ़ेक्ट डालता है, अच्छा इफ़ेक्ट नहीं डालता, हम कह सकते हैं बीमार भी हो सकता है इंसान, उसकी जो सुनने की क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे, और उस मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है, और यही क्या है, यही नॉइज़ पोल्यूशन है। तो हम बोलते हैं ना
कि एयर पोल्यूशन कम करो और वाटर पोल्यूशन कम करो, नॉइज़ पोल्यूशन कम करो। तो नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब यही, आप देखोगे जगह जगह पे आपको इस तरीके का बहुत जगह पे सिंबल दिखेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे नॉइज़ मत करो, डोंट मेक अ नॉइज़। ओके, नॉइज़ पोल्यूशन अकर्स व्हेन वी हियर वन और मेनी साउंड्स हार्मफुल टू द ईयर। नॉइज़ पोल्यूशन तब होता है जब हम बहुत सारे हार्मफुल साउंड सुनते रहते हैं अपने कानों से और हमारे कान को, हमारे ईयर को हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, जैसे आप बहुत ज़्यादा डीजे सुन रहे हो, बहुत ज़्यादा हेडफोन में डाल के, अगर हेडफोन कान में बहुत पूरा फुल वॉल्यूम करके अगर आप गाने सुनते हो, देखो जब आप इस तरीके से आप वॉल्यूम बढ़ाते हो ना इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको वो, जब आप वॉल्यूम की बात यहाँ पे रहेगी तो वहाँ पे बोलता है कि आपको, मतलब वार्निंग देता है कि अभी आपको इससे ज़्यादा करोगे तो आपको इससे मतलब कि आपके हियरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो वार्निंग देता है। ओके, मेजर फॉर प्रिवेंटिंग नॉइज़ पोल्यूशन। तो यहाँ पे अब क्या मेजर, मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हो जिससे कि नॉइज़ पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जाए, रोका जा सके, प्रिवेंट मीन्स रोका जा सके, कम किया जा सके। एज़ फॉर एज़ पॉसिबल वी शुड अवॉइड ब्लोइंग द हॉर्न। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको जो हॉर्न है उसे ब्लो करना, जो बजाते हैं लोग, उसे अवॉइड करना चाहिए। बिना मतलब कि अगर आपने कुछ इस तरीके का लगाया है जो आपको बहुत लगता है कि बहुत अच्छा है, तो आप बजा बजा के सबको अगर सुना रहे हैं तो क्या आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग होते हैं अजीब अजीब से साउंड लगा के रखते हैं, इतनी ज़्यादा आवाज़ करती है कि कितनी दूर तक सुनाई देती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इसे अवॉइड करना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ द टीवी और रेडियो इन द हाउस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द टू दोज वॉचिंग द प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे जो टीवी या रेडियो का जो वॉल्यूम होता है वो क्या, मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए, जो प्रोग्राम्स लोग देख रहे हैं उसे थोड़ा यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, व्हीकल्स शुड बी मेंटेन प्रॉपरली टू रिड्यूस द अननेसेसरी साउंड दे प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो व्हीकल्स होते हैं उसे मेंटेन इस तरीके से प्रॉपरली मेंटेन किया जाना चाहिए ताकि वो जो अननेसेसरी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अगर उसे अच्छे से मेंटेनेंस किया जाए उसका, तो जो ज़्यादा अजीब तरीके के जो बहुत ही ज़्यादा चलते हैं अगर कोई व्हीकल्स, तो इतना ज़ोर का आवाज़ होता है, कोई तो ऐसा होता है फटफट फटफट ज़ोर से दूर तक, या बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो अगर प्रॉपरली उसका मेंटेनेंस किया जाएगा, रिपेयरिंग किया जाएगा, अच्छे से रखा जाएगा, तो ये जो अननेसेसरी साउंड प्रोड्यूस करता है वो नहीं होगा। ठीक है, और जितना हो सके उतना कम यहाँ पे हॉर्न को ब्लो करना है, हॉर्न कम करना है। ठीक है, कम बजाना है। फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड शुड बी लोकेटेड एट द प्रॉपर डिस्टेंस अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज़। जो रेजिडेंशियल एरियाज़ है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे बस्ती रहती हैं, ठीक है, वहाँ पे, वहाँ से दूर बनानी चाहिए, फैक्ट्रीज़ को, एयरपोर्ट्स को, रेलवे स्टेशन को। ठीक है, लेकिन अभी देखिए आप तो रेलवे स्टेशन के सब साइड में ही तो रहते हैं, जहाँ पे बस स्टैंड है वहीं पे सब लोग रहते हैं, फिर भी हम देखते हैं जहाँ तक पॉसिबल होता है वहाँ तक गवर्नमेंट सोचती है कि दूर ही रखें। ठीक है, ये फैक्ट्रीज़, एयरपोर्ट्स, ये सब तो आपको दूर ही देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रेलवे भी बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, कितनी दूर तक आवाज़ आती है इसकी। ठीक है, लोकल ट्रेन तो ज़्यादा आवाज़ नहीं करती, वो एक ही बार दो बार हॉर्न करती है, लेकिन जो बाकी के जो होते हैं हम देखते हैं कितने ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, रेजिडेंशियल एरिया से दूर होना चाहिए, अवे फ्रॉम डिस्टेंस, मतलब कि जहाँ पे लोग रहते हैं उससे थोड़ा दूर पे होना चाहिए। सम ऑफ द साउंड्स दैट वी इंजॉय कैन बी न्यूसेंस फॉर अदर्स। तो कुछ यहाँ पे साउंड्स होते हैं जो हम इंजॉय करते हैं और, लेकिन ये क्या होता है, लोगों के लिए न्यूसेंस पैदा कर सकता है, लोगों के लिए ये क्या, लोगों के लिए ये न्यूसेंस मीन्स कि लोगों को डिस्टर्ब कर सकता है। कुछ आवाज़ ऐसा होता है जो हमें तो पसंद आता है बट दूसरों को मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमें अगर गाना बहुत पसंद है कोई पार्टी का या फिर कोई, तो ज़ोर ज़ोर से, ऐसा नहीं कि बजाओ मुझे पसंद है तो मैं बजाऊंगी ज़ोर ज़ोर से, मैं बजाऊंगा ज़ोर ज़ोर से। बाकी लोगों का भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, बाकी लोगों के प्रति भी आपको सेंसिटिव होना चाहिए। बिलीव इट और नॉट, बर्ड्स लाइक द रॉबिन एंड द वुडकॉक कैन रिकोगनाइज द साउंड ऑफ एन अर्थवॉर्म इन द सॉइल एंड फाइंड देयर प्रे। दैट मीन्स कि जो बर्ड्स होती है लाइक रॉबिन, एक बर्ड्स है, और क्या, वुडकॉक, तो ये क्या करते हैं, ये जो अर्थ वॉर्म होते हैं ना, उन जो मिट्टी में होते हैं उनकी भी ये साउंड सुन लेते हैं। तो यही बात है, बिलीव इट और नॉट, कैन यू बिलीव दिस, कि अर्थ वॉर्म, हमने कभी नहीं सुना अर्थ वॉर्म की आवाज़ कितनी, क्योंकि इतनी सॉफ्ट होती है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, कुछ आवाज़ ऐसी होती है जो बहुत सॉफ्ट होती है, कुछ लाउड होती है। तो देखिए कुछ कीड़े, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ वो प्रोड्यूस तो करते हैं बट वी कांट हियर। ठीक है,
इनकी आवाज़ हम तो नहीं सुन पाते, बट ये रॉबिन और ये वुडकॉक उन्हें सुन लेते हैं एंड फाइंड देयर प्रे, और उनके और उन्हें कैच कर लेते हैं। प्रे मीन्स कैच करना, उनका हंट कर लेना, उन्हें पकड़ लेते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज दे आर हियरिंग ऑर्गन्स आर वेरी सेंसिटिव। क्यों ऐसा? वो अर्थवर्म का मिट्टी में दबे हुए हैं अर्थवर्म, लेकिन फिर भी वो आवाज़ सुन लिए। उनका जो हियरिंग ऑर्गन्स है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए वो सुन पाते हैं। सम स्पीसीज ऑफ ग्रास ओपर प्रोड्यूस अ साउंड बाय रबिंग देयर लेग्स टुगेदर वाइल फ्लाइंग इन द एयर। कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं ग्रास ओपर्स की, जो टिड्डे होते हैं ना, जो खेतों में होते हैं, तो वो मतलब जब उड़ते हैं तो उनके जो लेग्स होते हैं, तो उनसे जब वो मतलब हवा में उड़ते हैं तो उनके लेग्स जब उड़ते हैं तो साथ में उनके लेग्स के बहुत एक रबिंग, जब रब होता है, एक दूसरे से रगड़ होता है, तो वो भी एक अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस होती है। द फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स ऑफ द बी और द मॉस्कीटो प्रोड्यूसेस अ हमिंग साउंड। हमिंग हमिंग हम हम जो होता है वही, तो आप देखते हैं ना ये जो मॉस्कीटो है भी कैसे मच्छर जो होते हैं, कितना वो तो उनकी आवाज़ तो कितनी सुनाई देती है हमें। जो बी है, जो मक्खी है, या जो हनी बी जो मधुमक्खी होती है, उनकी भी आवाज़ हमें सुनाई देती है जब वो अपने पंखों को फ्लैपिंग, मतलब वो जो फ्लैपिंग मतलब इस तरीके से फड़फड़ाते हुए चलते हैं ना अपने पंखों को फैला के, तो किस तरीके से हमें उनकी आवाज़ सुनाई दे सकती है। हैव यू हर्ड सच साउंड, तो क्या आपने इस तरीके की आवाज़ सुनी है? तो बिल्कुल आपने सुनी है, मॉस्कीटो की भी आवाज़ सुनी है, जो बी मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, हनी भी होती हैं, उनकी भी आवाज़ आपने सुनी होंगी। और देखिए ऐसे बहुत सारे होते हैं मतलब बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं कि जो रात में अगर आप कहीं पे निकलोगे ना, सुनसान एरिया रहे या फिर जहाँ पे पेड़ वेड़ रहते हैं, तो या फिर रात के टाइम में ना, आपको अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो अलग अलग से जो कीड़े होते हैं ना, उनकी आवाज़ें होती हैं रात में, मतलब कि पीस होता है एकदम, साउंड एकदम क्वाइट होता है सब जगह, तो इसके लिए शांति होती है, तो सब जगह शांति होती है इसके लिए उनकी आवाज़ को हम अच्छे से सुन पाते हैं, लेकिन रात में इतना ज़्यादा आवाज़ रहता है कि हम उनकी आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। और दिन में हम नहीं सुन पाते हैं, लेकिन रात में हम उनकी आवाज़ को अच्छी तरीके से सुन पाते हैं। अगर आप गाँव में देखोगे तो अजीब सी आवाज़ आती है, ठीक है। सब वो कीड़े मकोड़े रहते हैं जो कि इस तरीके से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। हमने क्या पढ़ा, अब हम उसमें देखते हैं। वाइब्रेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो रिक्वायर्ड होते हैं अगर साउंड का प्रोडक्शन करना है तो, ठीक है। साउंड तभी होगा जब वाइब्रेशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में। अ मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। अ मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, मीडियम भी रिक्वायर्ड है लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड एयर, ठीक है, साउंड के प्रोपेगेशन के लिए। प्रोपेगेशन मीन्स मैंने आपको समझा दिया है, स्प्रेड करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने के लिए, मतलब ट्रांसमिशन करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, या कह सकते हैं ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, हवा या फिर पानी या फिर सॉलिड कोई भी चीज़। साउंड इज़ प्रोपेगेटेड थ्रू गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड मीडियम्स, यही जो मैंने आपको बताया उसी के थ्रू ये सारी चीज़ें प्रोपेगेट होती हैं, स्प्रेड होती हैं। नॉइज़ इज़ डिसएग्रीएबल, इररेगुलर एंड लाउड। नॉइस कैसी होती हैं? डिसएग्रीबल होती हैं, कुछ हमें जो नहीं हमें पसंद आती, नहीं हम उससे एग्री करते। इरेगुलर भी होती हैं और आवाज़ भी होती है उनकी, बहुत ज़्यादा लाउड होती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन अकर्स ड्यू टू कंटिन्यू नॉइज़। नॉइज़ पोल्यूशन कब होता है? जब कंटिन्यूसली नॉइज़ बढ़ते जाता है, बढ़ते मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, कंटिन्यूसली वो आवाज़ें होती रह रही हैं, कहीं पे बहुत शोरगुल है, तो वो क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन उसी को बोलते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। तो यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन जो है एक प्रतिकूल, एक बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा इफेक्ट नहीं डालती हमारी हेल्थ पे, बहुत ही उल्टा इफेक्ट, बहुत ही बैड इफेक्ट डालती है हमारी हेल्थ पे। ओके, दैट मींस एडवर्स इफेक्ट मींस बैड इफेक्ट। हैवी ट्रैफिक एंड इंडस्ट्रियल एरियाज़ कॉज द मैक्सिमम नॉइज़ पोल्यूशन। बिल्कुल, तो जहाँ पे बहुत हैवी ट्रैफिक होती है, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहेगी, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्हीकल्स की आवाज़ आएगी, लोगों की आवाज़ आएगी। जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ है वहाँ पे आवाज़ ज़्यादा आएगी, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री में अलग अलग तरीके की मशीनें होती हैं, वो दिन भर आवाज़ करती रहती हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नॉइज़ पोल्यूशन करती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ सोशल प्रॉब्लम। बिल्कुल, ये क्या है, सोशल प्रॉब्लम है, इसमें पूरी सोसाइटी को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर इस एरिया में फैक्ट्री है, या इस एरिया में पास में ही अगर रेलवे स्टेशन है, या फिर कुछ और है जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, पूरी सोसाइटी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। दैट मीन्स नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ सोशल प्रॉब्लम्स। इट इज़ नेसेसरी दैट एवरीबडी टेक्स मेजर्स टू प्रिवेंट नॉइज़ पोल्यूशन। ये ज़रूरी है कि हर कोई, एवरीबडी टेक्स मेजर्स, लोग ये मेजर करे, ये सोचे कि नॉइज़ पोल्यूशन को रोका जाए।
ब्लोइंग द हॉर्न्स, हॉर्न को जो बजाते हैं, ऑफ व्हीकल्स इज़ प्रोहिबिटेड नियर प्लेसेस लाइक स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स. तो हॉस्पिटल्स और स्कूल के पास में बिल्कुल भी इन्हें इस तरीके से हॉर्न्स को ब्लो नहीं करना चाहिए, मना किया जाना चाहिए बिल्कुल भी. दीज रूल्स शुड ऑलवेज बी फॉलोड, और ये रूल्स को हमेशा 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 आपको फॉलो करना चाहिए. सो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 14th चैप्टर, दैट इज़ लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़.